गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो सेकंड यूनिट है उसमें लास्ट टॉपिक है हमारा अभिगमन घटनाएं, यानी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। अभिगमन घटनाएं क्या होती है, किसी भी गैस के लिए अभिगमन घटनाओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गैसों की अभिगमन घटनाएं एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है वो किस प्रकार से उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले हमने आज तक गैसों की साम्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है, यानी गैसें होती है वो साम्यवस्था में होती है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है सामान्यतः गैसें, या साम्यवस्था में गैसें होती है उनमें गैस है जो मैक्सवेल के वितरण का नियम है उनका पालन करती है, यानी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसमें गैसेज है वो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन का पालन करती है, और इस साम्यवस्था की स्थिति ही गैसों के लिए अधिक प्रसंभाव्य अवस्था होती है, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है कोई भी गैसों के लिए। साम्यवस्था इक्विलिब्रियम की स्थिति में गैसों में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि यदि कोई भी गैस है वो साम्यवस्था में नहीं होती है तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, यानी कोई गैस है जो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है या क्या क्या घटना घट सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं हम कि कोई भी गैस होती है जो अलग अलग जगहों पर उनके वेग है वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कोई भी गैस होती है जो अलग अलग स्थानों पर उनके वेग है यानी वेलोसिटी है वो भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गैसों है होती है अलग अलग वेग की गति की गैसें होती है उनमें सतह का मतलब उनके सतहों में अभिगमन होता है, सतहों में क्या होता है अभिगमन होता है, यानी अधिक तेज चलने वाली सतह कम चलने वाली सतह में संवेग का अभिगमन होता है, किसका मोमेंटम का, मोमेंटम को स्थानांतरित होती है, अधिक वेग से चलने वाली सतह है वो कम वेग से चलने वाली सतह को संवेग का स्थानांतरण करती है। तो संवेग के स्थानांतरण के कारण जो गैस जिससे कि क्यों करती है, क्योंकि जिससे कि गैस को साम्यवस्था की प्राप्ति हो सके, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके गैस, इसलिए वो मोमेंटम का अधिक वेग से चलने वाली सतह है वो कम वेग से चलने वाली सतह को मोमेंटम का स्थानांतरण करती है ताकि साम्यवस्था की स्थिति प्राप्त हो सके। तो इस स्थिति में संवेग के जो स्थानांतरण से किसकी उत्पत्ति होती है, श्यानता की उत्पन्न होती है, श्यानता यानी विस्कोसिटी, इसकी उत्पत्ति होती है श्यानता, विस्कोसिटी की उत्पत्ति होगी, विस्कोसिटी की उत्पत्ति होगी मोमेंटम के स्थानांतरण के कारण, तब जाके साम्यवस्था की प्राप्ति होगी। तो ये घटना घटित होती है, कब घटित होती है, जब गैसों के वेग भिन्न भिन्न होते हैं तो मोमेंटम का संवेग का स्थानांतरण होता है जिससे साम्यवस्था प्राप्त होती है और विस्कोसिटी की उत्पत्ति होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि गैसें होती है उन अलग अलग गैसें होती है जो भिन्न भिन्न तापों पर उनके वेग भिन्न भिन्न होते हैं, यानी गैसों का अगर ताप अलग अलग ताप की कंडीशन है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो क्या होता है गैस के अणु हैं जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अभिगमन करते हैं यानी विसरण करते हैं। गैस के अणु हैं वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर गति करेंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी है उसका ट्रांसलेशन होगा। तो गतिज ऊर्जा के स्थानांतरण से क्या होता है कि किसकी उत्पत्ति होगी, जिससे कि साम्यवस्था प्राप्त हो सके, हमन को सभी कंडीशन में साम्यवस्था लानी है गैस की, तो गैस क्या हुआ है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अभिगमन करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा उनको कम ताप की ओर लाएगी जिससे कि इक्विलिब्रियम स्टेट की प्राप्ति हो सके। और स्थिति में क्या प्राप्त होगा, गैस के अणु है गतिज ऊर्जा के अभिगमन के क्या के कारण क्या प्राप्त होगी, थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा चालन प्राप्त होगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालन की कंडीशन प्राप्त होगी, यानी थर्मल कंडक्टिविटी, यानी किसी स्थिति में जो फिनोमेना प्राप्त होएगा या अभिगमन की घटना प्राप्त होएगी वो क्या होगी, ऊष्मा चालन थर्मल कंडक्टिविटी प्राप्त होएगी। तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं हम, तीसरी कंडीशन में ये देखते हैं कि कोई भी गैस होती है जिसके अलग अलग अणुओं का घनत्व है, डेंसिटी है, वो अलग अलग होता है, यानी उनका सांद्रण है, अणुओं का सांद्रण है वो अलग अलग होता है, तो गैस के अणु है वो उच्च
उच्च घनत्व के अणु होते हैं वो निम्न घनत्व के अणुओं की ओर सांद्रण करते हैं ताकि साम्यावस्था को गैस प्राप्त कर सके, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सके। यानी हम क्या देखते हैं कि कोई भी गैस होती है उसके अणुओं का घनत्व है वो अलग अलग होता है, तो क्या होता है कि गैस के जो अणु है वो उच्च घनत्व से हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स है वो लो डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की ओर स्थानांतरित होते हैं, और उस स्थिति में ताकि उनकी साम्यावस्था को प्राप्त किया जा सके। तो इस स्थिति में क्या होता है कि साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए उनके द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इस कंडीशन में क्या होता है उनका मास होता है द्रव्यमान उसका स्थानांतरण होता है जिससे कौन सी घटना प्राप्त होती है विसरण की घटना डिफ्यूजन यानी विसरण वाली घटना प्राप्त होती है। इस स्थिति में विसरण यानी विसरण की घटना प्राप्त होगी डिफ्यूजन डीआई डिफ्यूजन यानी विसरण की घटना प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमको ये तीनों स्थितियों में अलग अलग घटना प्राप्त होती है। यानी हम सारांश के रूप में यह कह सकते हैं कि कोई भी गैस होती है अगर वो भिन्न भिन्न वेग है उसके यानी वेलोसिटी अणु के वेग भिन्न भिन्न है, तथा इसी प्रकार से अगर अणु भिन्न भिन्न ताप की गैसें हैं, या फिर हम यूँ कहते हैं कि अलग अलग अणुओं का द्रव्यमान अणुओं का है जो घनत्व है अलग अलग है, तो उनमें क्या होता है इस प्रकार की गैसों में सबसे पहले इसमें क्या होगा फर्स्ट कंडीशन में इसका स्थानांतरण होगा साम्यावस्था को लाने के लिए अलग अलग वेग की जो गैसेज है उनमें स्थानांतरण होगा मोमेंटम का संवेग का स्थानांतरण होगा इस टाइम मोमेंटम का संवेग का स्थानांतरण होगा, या फिर दूसरी स्थिति क्या है इसका स्थानांतरण होगा जब उसमें चालकता प्राप्त होगी तब उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा में जाएगी तो गतिज ऊर्जा का इसका होगा काइनेटिक एनर्जी का स्थानांतरण होगा। एंड जो गैस के अणुओं का जो डेंसिटी है वो अलग अलग है तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ आएंगे तो मास का इसका होगा ट्रांसलेशन मास का होगा। तो इनके ट्रांसलेशन होने से गैस क्या है साम्यावस्था में आ जाएगी, और साम्यावस्था में आने पर गैस की जो श्यानता है ऊष्मा चालकता है थर्मल कंडक्शन एंड डिफ्यूजन विसरण की घटनाएं उत्पन्न होती है। यानी ये फिनोमेना उत्पन्न होता है कोई भी गैस है उसके ये अभिगमन की घटनाएं प्राप्त होती है जिनके बारे में हम अलग से श्यानता के बारे में ऊष्मा चालकता के बारे में एंड डिफ्यूजन यानी विसरण के बारे में एक एक कंडीशन को लेके अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे जो आगे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।